चलो तुमको आज जंगल घुमाते हैं। दादी ये तो अमृत का पेड़ है। जी ये किस चीज का पेड़ है? ये इसको अर्जुन का पेड़ कहते हैं। लाला जी ये किस चीज का पेड़ है? ये नीम का पेड़ है। आदमी का जिंदगी में जितना भी बीमारी होता है ना, उन सब का इलाज नीम है। नीम के छाल को चबाने से मुंह का दर्द, दांत का दर्द, मुंह का कीड़ा सब खत्म हो जाता है। इसलिए इससे दतवन भी करते हैं। और कोई भी घाव हो, कैसा भी घाव हो, इसको लगाने से ठीक हो जाता है और फैलता भी नहीं है। कैंसर का बीमारी भी ठीक हो जाता है। इसके पत्ते को और फूल को पानी में उबाल कर पीने से गठिया भी ठीक हो जाता है। और इसके पत्ते के पानी को पीने से खून एकदम साफ हो जाता है। और इसके पत्ते को पीस कर मुंह में लगाने से मुहासा भी नहीं आता है। मलेरिया और कुष्ठ रोग भी ठीक हो जाता है। अरे नीम है या फिर दवा का दुकान है? इसलिए इसे गांव का दवा खाना भी कहते हैं। चलो तुमको पता है हम जो सांस छोड़ते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और वो कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ जो है ले लेता है अपनी सांस के रूप में, और जो पेड़ है वो ऑक्सीजन पैदा करता है, और वही ऑक्सीजन हम सांस के रूप में लेते हैं। समझ में आया ना? इतना ज्ञान कैसे हुआ? पेड़ लगाते लगाते ज्ञान हो ही जाता है। और वो जो अपने नर्सरी बाबू है ना, वो हमको रोज एक एक नया चीज बताते हैं पेड़ उनके बारे में। नाना जी इस पेड़ की कीमत क्या है? ये पेड़ बहुत कीमती होता है। ये पेड़ एक साल में 1,00,000 वर्ग मीटर हवा को साफ करता है, 20 किलोग्राम धूल को सोखता है, और तो और 20 टन कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखता है, 4 डिग्री तापमान को कम करता है। समझ में आया? और सबसे अच्छी बात तो जो है वो ये कि ये 700 किलोग्राम एक साल में 700 किलोग्राम ऑक्सीजन को पैदा करता है। समझ में आया बच्चू? और जो यहाँ वह हल्ला वो गुल्ला हल्ला कोलाहल को भी सोखता है। बहुत काम का है ना पेड़। समझ में आया इसका कीमत? चलो वो देखो मिंटू, वो देखो कोयल बैठा है काला काला। चल। अरे नाना जी ये तो हाथी है। तो देखो कैसे सूंड हिला रहा, देखो और कितना बड़ा है। वो देखो बंदर काटता है मालूम है। आ जाओ। जब रहा मामा को बोला जल्दी से यहाँ सब ये पेड़ साफ करना पड़ेगा जी। अरे देख क्या रहे हो, पेड़ काटो जल्दी। ए ए ए ठहरिए, ये सब कहाँ हो रहा है? देख नहीं रहे हो, विकास का काम हो रहा है, हाईवे बन रहा है। अरे हम लोग गांव को शहर से जोड़ रहे हैं। अब गांव में बस में बैठोगे और सीधे जाकर शहर में उतरोगे।
तो ये सड़क आप अपने खेत में काहे नहीं बनवाते हैं? ये तमीज से बात करो, तुम्हारे इलाके के एमएलए हैं। जाने दीजिए, छोटे लोगों के मुंह नहीं लगते हैं। या ये सड़क नहीं बनेगा, ये हमारा जंगल है। तो हम कहा कह रहे हैं सरकार की है। अरे सरकार इसके बदले में आपको मुआवजा देगी, और कोर्ट के ऑर्डर के आगे ना सरकार बड़ी है ना आप, समझे? और इसमें पर हम ये जमीन देने से मना तो कर दिए थे ना, इसीलिए हम सरकार का ऑर्डर लेके आए हैं। ये देखिए ये कोर्ट का ऑर्डर है, हमको जितना जमीन चाहिए हम इस जंगल में से ले लें, समझे? देखिए और सुनिए, इसमें यानी कि सरकार के काम में अगर बाधा डाला तो उसके लिए उनके तरफ से पुलिस भी है। ये आप लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। ओहो किशन, तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा है। अरे विकास के काम में सरकार को ऐसा करना पड़ता है। चलो हटो इधर से। ये सारा काम देख लीजिएगा, हम चलते हैं। अरे, ये पेड़ मत काटो, इसे जड़ से उखाड़िए और किसी दूसरी जमीन पर जाकर लगा दीजिए। इस तरह तो एक एक पेड़ में दो दो दिन लग जाएगा, और हमें इसे उगाने में 20 साल लग गया वो। अरे किशन तुम समझ नहीं रहे हो, 1 साल में हमको 20 किलोमीटर हाईवे बनवाना है, और उसके लिए ना तो हमारे पास फंड है और ना टाइम। नहीं, हम ये पेड़ कटने नहीं देंगे। अरे पगला गए हो क्या? हम पेड़ काटने की बात कर रहे हैं, आदमी काटने का नहीं। हटो ऐसे। ये हमारे लिए आदमी से बढ़कर है, आदमी तो समय के साथ बदल जाता है और साथ छोड़ देता है, लेकिन जब से ये पेड़ लगा है तब से केवल देना जानता है, और परोपकारी इतना है कि जो इसे काटने भी आता है ना उसे भी छांव देता है। आप लोग का दिल पत्थर का होगा साहब, पर हमारा नहीं है। 20 साल से इसे पाल पोस कर हमने बड़ा किया है, अगर इसे कोई खत्म कर देगा तो तकलीफ तो होगा ना साहब। अरे किशनू तुम तो इतने परेशान हो रहे हो जैसे हम तुम्हारी दौलत लूटने आए हो। ये पेड़ ये जंगल ही तो दौलत है हमारा, यही हमें भोजन देता है, यही हमें पानी देता है और जीने के लिए ऑक्सीजन देता है। हम इसके केवल कर्जदार नहीं है, ये सारा इलाका ही इसका कर्जदार है, और हम इसे पेड़ को कटने नहीं देंगे। अरे हटाओ इसको, दरवाजा हटाओ, ले जाओ। नहीं, अरे तुम हटाओ। अरे जंगल में एक ही पेड़ है क्या? बाकी पेड़ क्या? चाचा वहारा, यह एक कहावत है, और इस कहावत को चरितार्थ किया है किशुन ने। किशुन एक ऐसा गरीब व्यक्ति है जिसके पास एक जमाने में खाने को कुछ नहीं था। तब उसने अपना घर बार बेचकर एक बंजर जमीन खरीदी। आज 20 साल बाद उसने अपनी मेहनत से उस बंजर जमीन को एक हरे भरे जंगल में बदल दिया। इस जंगल के आसपास के पर्यावरण और जलवायु पर असर पड़ने लगा है। जहाँ बारिश नहीं होती थी वहाँ बारिश होने लगी है। पूरे साल अब फसलें उगाई जाती हैं। जो लोग पलायन कर चुके थे अब वो अपने घर को लौट आए हैं। कई लुप्त प्राय प्रजाति के पशु पक्षी को रहने के लिए घर मिल गया है। आसपास के इलाकों का ऑक्सीजन लेवल बढ़ गया है। जो इलाका वीरान था अब वो आबाद हो गया है। ये सब जिस जंगल के कारण हुआ उसी जंगल को सरकार एक दिन साफ करने आ जाती है। तर्क यह दिया जाता है कि इस जंगल के बीच से हमें हाईवे निकालना है और औद्योगिक क्षेत्र बनाना है। जब इस जंगल का मालिक और यहाँ के गांव के लोग इस बात का विरोध करते हैं तो चंदन डी का एमएलए और उसका सरपंच बेटा विरोध में हिंसा पर उतर आते हैं। अब सवाल यह उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी?
कि एमएलए साहब को खुद डंडा उठाना पड़ा। यहाँ की पुलिस असक्षम है या एमएलए साहब इस विकास की आड़ में अपना कुछ विकास करना चाहते हैं, ये तो जांच का विषय है। फिलहाल हम यही कहेंगे कि ये विकास नहीं विनाश है। हमको समझ नहीं आ रहा कि हम का बोलें। बाकी अच्छा तो लग रहा है, जो जगह हम मजदूरी किए उसी जगह पे सब हमको बुलाकर माला पहना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कोई बहुत बड़ा काम किए हैं। पर हम कहते हैं हमारा बेटा जिस वजह से चला गया उस वजह यानी अशुद्ध हवा को शुद्ध हवा में बदलने का सोचा। और बड़ा काम तो दबंग बाबू किए हैं। इसी जगह पर 20 साल पहले एक समारोह में कुछ तो बतिया रहे थे, हम सुन लिए। कह रहे थे पेड़ लगाने से बहुत फायदा है, पेड़ है तो जीवन है। का समझे? यही कि भाषणबाजी से कुछ नहीं होता है, काम करने से काम होता है।